डू यू गाइस वांट टू नो कि भाई प्यार और अटैचमेंट में क्या फर्क है? जिसको हम प्यार 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 बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों से बड़ा प्यार है, प्यार है, प्यार है, एक्चुअल में वो प्यार है? प्यार क्या होता है? अटैचमेंट क्या होती है? अटैचमेंट मतलब क्या कि मैं उस बच्चे की माँ हूं तो मुझे उसको खिलाते रहना है, उसका पेट भर गया है लेकिन जबरदस्ती उसको और खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बच्चे के लिए अच्छा है। क्या ये अच्छा है? नहीं। अभी से अगर हमने उसको ओवर ईटिंग की आदत डाल दी तो आगे जाकर के वो जिंदगी भर रोता ही रहेगा। फंस गया ना वो बेचारा। आदत तो बढ़ गई कि जितनी भूख है उससे ज्यादा भी खा लो तो चलता है, टेस्ट के लिए भी खा लो तो चलता है, मम्मा ने टेस्टी बनाया तो चलता है, खा लो खा लो खा लो, फंस गए ना। अटैचमेंट में क्या होता है कि हम हमेशा वो करना चाहते हैं उसके साथ में जो हमें सही लगता है, जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि सही तक भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। सही में और अच्छे में बड़ा फर्क है। हमें करने में अच्छा लगता है, अच्छा मतलब हमको मजा आता है वो करके। अच्छा लगता है कि बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे ये खिलौना चाहिए चाहिए चाहिए, तो बच्चे को रोते हुए देख करके हमको बुरा लगता है ना, तो हम क्या कहते हैं, चल तूने दो खिलौने ले लिए, तीसरा भी ले ले, तो बच्चा हंसने लग गया, हम खुश हो गए, इसमें अच्छा लगा। लेकिन क्या ये उस बच्चे के लिए सही है? ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं। एक्चुअल में क्या करना चाहिए वहां पर कि ये देखना है कि उस बच्चे के लिए क्या सही है। क्या सही है कि उसको ये समझ आए कि अगर हम किसी टॉय शॉप में जाएंगे आज या कभी भी, एक टॉय मतलब एक टॉय, तो क्या होगा, उसको ये समझ आ जाएगा कि मेरे रोने से, चीखने से, चिल्लाने से मेरी बात नहीं मानी जाती है, ये उस बच्चे के लिए सही है। लेकिन इसके लिए हमको क्या चाहिए? बड़ा पेशेंस चाहिए। तो प्यार हमको पेशेंस देता है, अटैचमेंट हमको इम्पेशेंट बनाता है। बच्चे की किसी से लड़ाई हुई, उसने आकर के कुछ भी बोला, आपको पता नहीं है कि गलती आपके बच्चे की है, सामने वाले की है, पहुंच गए लड़ने के लिए, तो आप क्या बन गए? इम्पेशेंट बन गए। किसकी वजह से? जिसको आप प्यार कह रहे हो वो अटैचमेंट है। प्यार अगर होगा तो आप क्या करोगे? बड़े पेशेंस में, आराम से पहले तो पूरी सिचुएशन को समझोगे, यानी जो हो रहा है उसको समझोगे, ये नहीं जो अंदर आपके हो रहा है वो सुन करके रिएक्शंस ट्रिगर हो रहे हैं और रिएक्ट कर जाओगे, तो यू विल नॉट रिएक्ट, यू विल रिस्पॉन्ड। ये हम कब कर सकते हैं? जब हम एक्चुअल में उस बच्चे से प्यार करते हैं। हम कहते हैं कि हम उस बच्चे से प्यार करते हैं, एक्चुअल में हम अपने आप से प्यार करते हैं, क्योंकि बच्चे को गले लगा के बड़ा मजा आता है, बड़ी कमाल की फीलिंग होती है, तो आपको लग रहा है कि मैं उस बच्चे से प्यार कर रहा हूं। हो सकता है बच्चा इरिटेट हो रहा हो, कभी नोट किया है? दोनों में फर्क समझ आया, अटैचमेंट और प्यार। अटैचमेंट क्या है? उस बच्चे को पकड़ा, उसके बाल पूरे घुचड़ पुचड़ कर दिए, उसको पकड़ रहे, पपिया पपिया कर रहे हैं, बच्चा आपको कोई ऐसा करे कैसा लगेगा? होते हैं ना कुछ ऐसे बड़े बूढ़े होते हैं ना, स्पेशली मैंने कुछ बुढ़ियों को देखा, आ बेटा वो बेचारी पार्लर में 4 घंटे लगा के अपने बाल सेट करा के आई है, बेटा आए मेरी बच्ची, अबे जल्लाद क्या कर रही है। यही बच्चों की हालत होती है। पकड़ में आया ना फर्क? ये अटैचमेंट है, ये प्यार व्यार नहीं है। प्यार मतलब क्या है? उस बच्चे को कैसा फील हो रहा है। अगर आपको एक्चुअल में उस बच्चे से प्यार है तो आप हमेशा वो करोगे, नंबर एक जिसमें उसकी खुशी है, नंबर दो जो उसके लिए सही है, और अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा तो आप वो करोगे जो सही है। खुशी उसकी गलत चीजों में भी हो सकती है।